हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डार्क हॉरर मून नाइट में। दोस्तों, आज की यह कहानी आप मेरे दोस्त केपी चौधरी की आवाज़ में सुनेंगे। आशा करती हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, आज की यह कहानी मेरे साथ शेयर की है बिलासपुर के रहने वाले मलय चौधरी जी ने। तो आखिर क्या है इनकी कहानी, चलिए सुनते हैं इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नाम मलय चौधरी है और ये घटना जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे साथ 2014 में हुई थी और उस घटना को याद करके मैं आज भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। दरअसल मेरे पिताजी सेल में जॉब पर थे और इसलिए हम पूरा परिवार सेल क्वार्टर में ही रहा करते थे। लेकिन जब 2014 में मेरे पिताजी अपनी जॉब से रिटायर हुए तो उसके बाद हमें सेल क्वार्टर छोड़कर वापस से बिलासपुर शिफ्ट हो गए। दरअसल मेरा घर बिलासपुर के आउटर एरिया में पड़ता था तो मेरा मन वापस से अपने घर जाने का बिल्कुल भी नहीं था और इसलिए मैंने बिलासपुर में ही एक रूम रेंट पर ले लिया और मेरा रूम उस घर में फर्स्ट फ्लोर पर था। लेकिन उसके नीचे ही एक और लड़का रहता था जो कि अंबिकापुर का रहने वाला था। हम दोनों में ही थोड़े से दिनों के भीतर ही काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। और इसके अलावा उस घर की एक मज़ेदार बात तो ये थी कि उस घर के मकान मालिक दूसरे शहर में रहा करते थे, उन्हें बस रेंट से मतलब था और इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम उस घर में आखिर क्या करते हैं और क्या नहीं। और अंबिकापुर में बैचलर्स को ऐसा घर मिल जाना किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। मैं और मेरा नया बना वो दोस्त, हम दोनों ही उस घर में काफ़ी मज़े से रहते थे। और उस घर की सबसे ख़राब बात ये थी कि वो घर एक ऐसी कॉलोनी में था जहाँ पर कचरे की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती थी और इसलिए मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ही उस घर से निकलने वाले कचरे को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद उसे महीने के अंत में कहीं दूर फेंक कर आ जाते थे। और हमारा यही प्रोग्राम 2-3 महीनों तक चलता रहा और इसके बाद हम दोनों ही दोस्तों ने उस कचरे को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और हम दोनों उस कचरे को फेंकना तो मानो बिल्कुल भूल ही गए थे। उस घर में हम दोनों ही दोस्तों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी और हम जब चाहते अपने दोस्तों को हमारे रूम पर बुला लेते थे और इसके बाद हम सभी दोस्त देर रात तक वहां पर पार्टी किया करते थे। यहां तक तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन एक दिन मैं सैंडविच बनाने के लिए नीचे किचन में गया। दरअसल मेरा रूम उस घर में फर्स्ट फ्लोर पर था और किचन नीचे की तरफ था। मैं सैंडविच बना ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मानो कोई सीढ़ियों से मेरे कमरे की तरफ भाग कर गया है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद आसपास का कोई बच्चा होगा जो कि खेल खेल में हमारे घर के अंदर आ गया है। और उसके बाद मैं सैंडविच बनाकर उस किचन से बाहर निकला। लेकिन सैंडविच खाते खाते मैं उस बच्चे के बारे में एकदम से भूल गया और उसके बाद मैं जिम चला गया। उस समय पर शाम का टाइम था और मेरा दोस्त अपने कमरे में आराम कर रहा था कि एकदम से उसके दरवाजे को किसी ने जोर से धक्का देकर खोला और उसके बाद हंसते हुए एकदम से ऊपर की ओर भाग गया।
मेरे दोस्त ने सोचा कि शायद मैं उससे मस्ती कर रहा हूँ और उसने मुझे कई बार कॉल भी किया, लेकिन उस समय पर तो मैं जिम में था, इसलिए मैंने उसका कॉल अटेंड नहीं किया। और जब उसके कई बार फ़ोन करने के बाद भी मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके बाद मेरा दोस्त अपने कमरे से बाहर निकला और वो ऊपर की तरफ मेरे कमरे में गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चला कि मेरे रूम पर तो ताला लगा हुआ है। और इसके बाद मेरे दोस्त को अचानक से याद आया कि मैं तो जिम गया हुआ हूँ। और इसके बाद हल्का हल्का डर मेरे दोस्त के मन में घर करने लगा था। मेरा दोस्त यही सोच रहा था कि आखिर मलय तो अभी अभी जिम गया हुआ है, तो मेरे गेट को आखिर किसने नॉक किया था। और यही सोचते हुए मेरा दोस्त वापस से अपने रूम पर आ गया। और इसके बाद जब मैं जिम से लौटकर वापस अपने रूम पर आया, तो मुझे मेरा दोस्त वहीं पर खड़ा हुआ मिला। उसने मुझसे कहा, अरे भैया, शाम के टाइम आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था क्या, और आप हंसकर भाग गए थे? और इसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि नहीं तो यार, मैं तो शाम का ही जिम गया हुआ हूँ, और मैं तुम्हारा दरवाज़ा क्यों खटखटाऊँगा। और मेरे ऐसे कहने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि दरअसल शाम के टाइम किसी ने जोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाया था, और उसके बाद वो हंसकर ऊपर के रूम पर भाग गया था। मैंने सोचा कि शायद तुम होगे, और इसके 2-3 मिनट बाद जब मैं तुम्हारे रूम पर गया, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे रूम पर तो ताला लगा हुआ है। और तभी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि तुम तो जिम गए हुए हो, लेकिन जिसने अभी अभी मेरे दरवाजे को खटखटाया था, आखिर वो कौन था जो हंसते हुए ऊपर की ओर भागा था। तो फिर मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद कोई इधर उधर का बच्चा होगा जो मेरे साथ मस्ती करके ऊपर की ओर भाग गया होगा। लेकिन उसके बाद मैंने अपने दोस्त को मेरे साथ शाम के टाइम हुई उस घटना के बारे में बताया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, शाम के टाइम ना मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब सैंडविच बनाने आया था ना किचन में, तो मुझे लगा कि कोई इधर उधर ढूंढते हुए कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो मुझे फिर वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया था। तब मैंने भी यही सोचा था कि कोई बच्चा होगा शायद, मस्ती करने के लिए इधर उधर घूम रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। और इसके बाद मैं अपने दोस्त से ऐसा कहते हुए वापस से अपने रूम में आ गया। एक दिन की बात है, मेरे उस दोस्त का एक कजन उससे मिलने के लिए रूम पर रुका हुआ था, तो मैं भी अपने ऊपर वाले रूम से नीचे उन्हीं के रूम में आ गया। रात भर हमने ड्रिंक की, और इसके बाद मेरे उस दोस्त ने मुझसे कहा कि यार, रात काफ़ी हो चुकी है, अब क्या ही ऊपर जाएगा, हमारे साथ ही सो जाना। तो इसके बाद मैंने भी सोचा कि हाँ, क्या अपने रूम में जाना यार, मैं इनके साथ ही सो जाता हूँ, और मैं उनके साथ ही उसी रूम में सो गया। और इसके बाद जब रात में 2 बजे के आसपास मेरी आंखें खुली, तो मेरे मन में अचानक से ही कुछ मस्ती करने की सूझी। मैंने सोचा कि इस कमरे में हम 3 लोग हैं, और ग्रुप में वैसे भी डर कम लगता है, और ऊपर से मैंने ड्रिंक तो किया ही हुआ था। तो मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अरे यार, इस घर में कोई भूत प्रेत आत्मा रहती है, तो थोड़ा प्रमाण दो हमको, कुछ पता तो चले कि हम भूतों के बीच में रह रहे हैं। और मैंने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी अचानक से मेरे ऊपर वाले रूम का दरवाजा एकदम से बजा। मुझे लगा कि शायद कोई हवा चल रही होगी और उसकी वजह से मेरा दरवाज़ा इधर उधर हिल रहा है। मैंने इसको इग्नोर किया, और उसके बाद मैंने फिर से ज़ोर से कहा, अरे कोई आत्मा है तो यार सबूत तो दो कि इधर आत्मा रहती है,
ताकि पता तो चले कि हम भूत प्रेतों के बीच में रह रहे हैं। और अभी मैंने ऐसा कहा ही था कि फिर से मेरे ऊपर वाले रूम का वो दरवाजा एकदम से काफी जोर से बजा, और इस बार मेरे रूम का दरवाजा इतनी जोर से बजा था कि मेरे रूम में सो रहे वो दोनों ही लड़के एकदम से खड़े हो गए। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बार बार चीखे क्यों जा रहे हो और आखिर ऊपर वाले रूम पर कौन है, और तब मैंने अपने दोनों दोस्तों से कहा कि जब भी मैं कहता हूँ कि कोई आत्मा है तो प्रमाण दो, तभी मेरे ऊपर वाले रूम का दरवाजा एकदम से बज उठता है। तब मेरा दोस्त मुझसे बोला कि अरे यार मलय कैसी बातें करता है, अरे यार हवा चल रही है बज जाता होगा, कोई इत्तेफाक होगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी बज रहा है गेट। अपने दोस्त की इस बात को सुनकर मैंने चिढ़ते हुए फिर से जोरों से कहा अगर कोई भूत प्रेत आत्मा है तो अपना प्रमाण दो। और इस बार मेरा ऐसा कहना था कि वो गेट एकदम से इतनी जोर से बजा कि मानो उस गेट पर किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो। और जब हमने उस गेट की ऐसी आवाज सुनी तो मैं और मेरे वो दोनों ही दोस्त एकदम से काफी ज्यादा डर गए, और अब हम तीनों दोस्तों की शराब का नशा एकदम से कहीं गायब हो गया था। और अब हमें इतना ज्यादा डर लग रहा था कि हम बाथरूम करने जाने में भी काफी ज्यादा डर रहे थे। हम तीनों ही दोस्त रात भर उसी रूम में बैठकर जागते रहे, और वहीं बैठे बैठे हमने उस घर में कुछ ऐसी आवाजें सुनी मानो कि कई सारे लोग उस घर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जोर जोर से उनके फुसफुसाने की आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। हम तीनों ही डरते डरते हमारे रूम में बैठे बैठे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कब दिन हो गया हमें पता ही नहीं चला। और इसके बाद मेरे दोस्त का कजन तो वापस से अपने घर चला गया, लेकिन फिर हमने उस घर में जो डरावने नज़ारे देखे उनको सुनने के बाद आपकी भी रूह